नमस्कार, मैं अंशुल दुबे। आज हमारे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के जो प्रिंट मीडिया सब्जेक्ट है उससे जुड़े आज टॉपिक जो हमारा है, संपादक के क्या काम है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ ही जो समाचार संगठन में किसी भी संस्थान में जो मुख्य सब एडिटर मतलब उप संपादक होता है उसका क्या काम है, इन सब विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ज्यादातर प्रिंट मीडिया में आपके बैचलर में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि संपादक के क्या कार्य हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके साथ ही जो मुख्य उप संपादक होते हैं उसके कार्य की भी विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संपादक के क्या कार्य होते हैं। किसी भी समाचार संगठन में जो भी संपादक होता है उसका मुख्य काम होता है नीतियों का निर्धारण करना, समाचार पत्र की नीतियों का निर्धारण करना मुख्य संपादक का कार्य होता है। इसके साथ ही समाचार पत्र के संपादकीय कार्य का निर्देशन एवं निरीक्षण का मुख्य दायित्व भी संपादक के कंधों पर होता है। सबसे पहला होता है नीतियों का निर्धारण करना। जो नीति संपादक द्वारा बनाई जाती है उन नीतियों का सभी का पालन करना मुख्य संपादक, उप संपादक और जो जिला ब्यूरो या रिपोर्टर होते हैं उन सभी नीतियों का पालन सभी को करना होता है। दूसरा जो कार्य हमने बताया संपादक का कि जो समाचार पत्र होता है, समाचार पत्र के किसी भी संपादकीय कार्य का निर्देशन अथवा निरीक्षण जो भी होता है इसका मुख्य दायित्व संपादक के कंधों पर ही होता है। जो भी समाचार पत्र की नीतियों का निर्माण होगा इसमें अहम भूमिका संपादक की होगी और उनका पालन कराना जो काम होता है वह उप संपादक, मुख्य उप संपादक और जो पत्रकारों का काम होता है। पत्रकार आगे चलकर उन नीतियों पर काम करते हैं जो संपादक द्वारा बनाई जाती है। इसके साथ ही अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए कि संपादक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको बता दें संपादक के लेखन की भाषा का सरल एवं सुबोध होना बहुत आवश्यक जो विशेषता है वो संपादक की होती है कि जो भी खबर हो, जो भी समाचार हो, जो भी भाषा शैली हो, लेखन की भाषा उसमें सरल होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए ताकि जो पाठक है, जो समाचार पत्र को पढ़ने वाला है वह आसानी से उस समाचार को समझ ले। ऐसा संपादक का संपादक में ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि वो हर समाचार को, हर लेख को बहुत ही सरल और सहज भाषा में उसको बांटे। इसके साथ ही जो संपादक है वह पूर्णतः विश्वसनीय एवं ईमानदार होनी चाहिए। दूसरी विशेषता आपकी ये है कि संपादक को ईमानदारी और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही विश्वसनीय भी होना बहुत जरूरी है। वही संपादकीय में तथ्यों की ईमानदारी से पेश करना भी संपादक का मुख्य काम है, ये विशेषता होनी चाहिए। अगर तथ्यों पर बात नहीं की जाएगी तो वह खबर एक पक्षी रहेगी और उस खबर से जो लोगों की प्रतिक्रिया है, फीडबैक जो आना होता है वह ठीक नहीं आएगा। संस्थान में यह बहुत बड़ा व्यवधान हो सकता है अगर संपादक ईमानदार नहीं हो, निष्पक्ष नहीं हो और तटस्थ नहीं हो। इसलिए संपादक में विशेषताएं और गुण होना अति आवश्यक है। किसी भी समाचार पत्र या संगठन के संपादक में निष्पक्ष होना, विश्वसनीय होना, ईमानदार होना और दोनों पक्षों के तथ्यों पर बात करना बहुत अति आवश्यक ये विशेषताएं होनी चाहिए। इसके साथ ही संपादक के लेख में ज्यादा लंबा लेख नहीं होनी चाहिए। जो भी समाचार पत्र होता है उसमें संपादकीय एक संपादक का लेख छपता है, उस लेख को ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही उस लेख को बहुत छोटा होना चाहिए। संपादक का जो लेख है वह बहुत ही लंबा, बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो संपादक है उसको समसामयिक घटनाओं पर विशेष फोकस करना चाहिए, ये विशेषता भी संपादक में होनी चाहिए। इसके साथ ही विशेष समस्या उनकी जो भी समाचार पत्र है समसामयिक घटनाओं के साथ साथ विशेष समस्याएं जो लोगों की हैं, मोहल्ले वासियों की हैं, उन समस्याओं पर गौर करना भी, उन समस्याओं पर गौर होना अति आवश्यक है, यह संपादक में विशेषता होनी चाहिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे जो उप संपादक होता है उनके क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार अभी हमने आपको बताया
संपादक का मुख्य कार्य होता है समाचार पत्र की नीतियों का निर्धारण करना और उन जो संपादक द्वारा बनाई हुई नीतियां हैं उन नीतियों का साक्षर पालन करना उप संपादक का कार्य होता है। समाचार पत्र में संपादक का मात्र एक ही काम होता है कि वह नीतियों का निर्धारण करता है। वहीं जो उप संपादक होता है जो संपादक द्वारा नीतियां बनाई गई हैं, उनका पालन करना और करवाना उप संपादक का कार्य होता है। जो मुख्य उप संपादक होता है वो सब एडिटर, उसके भी कार्य हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो उप संपादक होता है वह नियमित रूप से कार्य सौंपने का काम जो होता है समाचार किसी भी समाचार पत्र के संगठन में किसी भी ऑफिस कार्यालय में जो भी सभी उप संपादकों को मुख्य रूप से काम सौंपने का जो जिम्मा होता है मुख्य उप संपादक का होता है कि जो ऑफिस में जितने वर्कर हैं उप संपादक हैं जिला ब्यूरो हैं जो भी सिटी रिपोर्टर हैं उनको नियमित रूप से जिम्मेदारियां सौंपने का जिम्मेदार जो होता है मुख्य उप संपादक कहलाता है। वहीं समाचारों के आकार और प्रकार के प्रति भी मुख्य उत्तरदायी जो होता है वह उप संपादक कहलाता है। किसी भी समाचार पत्र में कितनी भी घटनाएं हो कितनी भी खबरें हो कितनी भी बड़ी छोटी हो इन सभी का निर्धारण करना मुख्य उप संपादक का काम होता है। यह डिसाइड मुख्य उप संपादक करता है कि कौन सी खबर को कितने साइज देनी है कितना आकार देना है और किस प्रकार से उस खबर की हमको काट छाट करनी है बड़ा के लिखना है या छोटा रूप देना है यह सब उप संपादक पर ही निर्भर करता है। इसके बाद हम इसके बारे में और विशेष रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।